नमस्कार, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं इजी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना के बारे में, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके आज हम कई विभिन्न पहलू भी देखेंगे, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, आयुष्मान योजना से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा और आयुष्मान भारत योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा आप इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस प्रकार उठा पाएंगे, साथ ही साथ इससे होने वाले संभावित लाभों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ कर दी गई और इसको लागू करने का दायित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस बात को उल्लेखित किया गया है कि इसके अंतर्गत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की प्रीमियम या अदायगी नहीं करनी होगी। ये बीमा देश की लगभग 40% आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक उपचारों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर यह बात जान लेने योग्य होगी कि द्वितीयक और तृतीयक उपचार क्या होते हैं। मुख्यतः उपचारों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार वे उपचार होते हैं जो लोगों तक उनकी सामर्थ्य के अनुसार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं द्वितीयक उपचार वे उपचार होते हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत डायबिटीज, थायराइड, इस प्रकार की बीमारियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है और साथ ही साथ ये लोगों पर आर्थिक खर्च को भी बढ़ाती हैं। वहीं तृतीयक उपचार वे उपचार होते हैं जिसके जो द्वितीयक उपचारों के बाद कराए जाते हैं, साथ ही साथ इसके अंतर्गत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ द्वितीयक और तृतीयक उपचार तुलनात्मक रूप से प्राइमरी उपचारों या प्राथमिक उपचारों की तुलना में महंगे होते हैं, इसीलिए ये गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी डॉक्यूमेंट के एक सर्वे के अनुसार ऐसा कहा गया है कि हर वर्ष 6 करोड़ से अधिक लोग जो द्वितीयक और तृतीयक उपचार कराते हैं वो अपने इलाजों के कारण गरीब हो जाते हैं। इसीलिए यह बात यहाँ सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि द्वितीयक और तृतीयक उपचारों के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर देखने को मिलते हैं। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक उपचारों को तो 100% और तृतीयक उपचारों में लगभग उपचारों को सम्मिलित किया है। इस योजना के अंतर्गत उपचार से पूर्व एवं उपचार के बाद होने वाले खर्चों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटलाइज होने से पहले होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस को भी इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपके उपचार होने के बाद आपकी दवाइयों के बिल को भी इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस योजना में लाभार्थियों की पहचान के लिए सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 को आधार बनाया गया है। इसके अंतर्गत लाभार्थी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में जिनको इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है वहां पर जाकर 5 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार करा सकते हैं। अस्पतालों की जानकारी और अपनी पात्रता के बारे में जानकारी के लिए www.pmjay.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं। इस योजना में बीमारियों के रेट कार्ड्स भी जारी किए गए हैं, साथ ही साथ 1350 पैकेजेस बनाए गए हैं, उनकी रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसका निर्धारण नेशनल हेल्थ एजेंसी के द्वारा किया गया है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक लाभार्थी पर लगभग 1100 रुपए का खर्च आएगा, जिसको वहन केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करेंगी, जिसका अनुपात 7:40 होगा। आइए अब बात करते हैं इस योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 15,970 अस्पतालों को पंजीकृत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों अस्पताल शामिल हैं। साथ ही साथ इस योजना को सितंबर से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक 5,55,387 लोगों को लाभ भी मिल चुका है। मतलब ये हुआ कि 5,55,387 लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अपने इलाज भी करवाए हैं। साथ ही साथ
25,69,407 लोगों को ई कार्ड्स भी जारी किए जा चुके हैं जो इस योजना के पात्र बन चुके हैं। इन आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन फिर भी यह देश के सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई है। दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर आयुष्मान भारत योजना नहीं चलाई जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य में पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही हैं, जैसे दिल्ली सरकार की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, वहीं उड़ीसा सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना तथा तेलंगाना सरकार की आरोग्य श्री योजनाएं प्रमुख रूप से राज्य सरकारों के खुद के खर्च के द्वारा चलाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 के तीसरे उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। खर्च द्वितीयक या तृतीयक उपचारों पर सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, इसलिए गरीबी के स्तर में भी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।